दुनिया के तीन लावारिस पड़े हुए जहाज और लास्ट वाला जहाज तो समुद्र से रेगिस्तान में जा टपका। नंबर वन वर्ल्ड डिस्कवर है। दोस्तों सोलोमन आइलैंड के तट के किनारे पड़े इस विशालकाय जहाज को देखिए, जिसे समुद्र धीरे धीरे निगल रहा है। यह जहाज एक समय समुद्र पर बड़े शान से घुमा करता था, लेकिन किसी कारण के चलते जहाज इस आइलैंड में आकर फंस जाता है और निकल नहीं पाता है, जिसके बाद यह जहाज किनारे पर पड़े पड़े अपने मौत का इंतजार कर रहा है। नंबर टू एमवी अल्टा। ये बात साल 2020 की, जब समुद्री तूफान के चलते एक बड़ा सा कार्गो शिप आयरलैंड के तट पर जा पहुंचता है, जिसमें ना तो कोई सामान था और ना ही कोई लोग, और ये भी पता नहीं चल पाया कि ये शिप आया तो आया कहां से, जिससे वहां के लोग इस जहाज को भूतिया जहाज कहने लगे। नंबर थ्री एडवर्ड बोहलिन। दोस्तों रेगिस्तान में पड़े हुए इस अनोखे जहाज के ढांचे को देखिए, जो कई सालों से समुद्र से लगभग 1 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में पड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों ये जहाज एक खतरनाक तूफान में फंसने के कारण लहरों के चपटों ने इसे समुद्र से रेगिस्तान में लाकर छोड़ दिया, जो कि ये रेगिस्तान समुद्र के किनारे पर ही मौजूद था।